एप्पल लॉन्च कर दिया अपना न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है आईफोन 11 प्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 प्रो के बारे में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इससे कुछ पहले मैं मेजर हाईलाइट के बारे में बता दूं। इस फ़ोन में आपको 5.8 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा। इसमें आपको 4GB की रैम और 3190 AMAH की बैटरी मिलेगी। अब इसके अगर बॉडी की बात किया जाए तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम प्लस फ्रंट एंड बैक ग्लास मिलेगा। इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो वो आपको 8.1 mm का मिलेगा। इसके वेट की बात किया जाए तो 188 ग्राम का आपको मिलेगा। इस फ़ोन में आपको सिंगल सिम प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिम का ऑप्शन होगा। इस फ़ोन में आपको IP68 का प्रोटेक्शन है। ये फ़ोन वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ दोनों है। ये फ़ोन आपको 4 मिनट 30 सेकेंड तक आपको पानी पे सर्वाइव करने का कैपेबल है। इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो एप्पल का अपना सुपर रेटिना XDR OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिलने वाला जो कैपेबल है 16 मिलियन कलर्स के लिए। एंड इसके अगर स्क्रीन साइज़ की बात किया जाए तो 5.8 इंचेस का होगा। इसके पिक्सल्स की बात किया जाए तो 1125:2436 का होने वाला है। इसके अगर प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास ऑलियोफोबिक कोटिंग 800 नीट्स तक का मिलेगा। इसमें आपको डॉल्बी विजन HDR10 वाइड कलर ग्रांट और ट्रू टोन और 120 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। इस फ़ोन के अगर OS की बात किया जाए तो इस फ़ोन में आपको iOS 13 का सपोर्ट मिलेगा। इस फ़ोन के अगर प्रोसेसर की बात किया जाए तो इस फ़ोन में आपको आईफोन का A13 बायोनिक चिप जो कि 7nm पे होने वाला है। और इस फ़ोन की सबसे मेन बात किया जाए तो ये फ़ोन 1 ट्रिलियन ट्रांजिशन पर सेकेंड कर सकता है जो कि ये बहुत फास्ट है। इसके बेस ऑप्शन की बात किया जाए तो 4GB 64GB 4GB 256GB और 4GB 512GB में आपको मिलेगा। अगर इसके रियर कैमरा की बात किया जाए तो 12+12+12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। फर्स्ट वाइड एंगल, दूसरा टेलीफोटो एंड तीसरा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा। एंड अगर इसके नेक्स्ट इसके अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात किया जाए तो आपको ये फ्रंट कैमरा में 2160p 4K 30fps तक का कैपेबल है। और अगर इसके रियर कैमरा की बात किया जाए तो वो भी 4K 30fps तक का कैपेबल है। इसके फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा F2.2 वाला। एंड अगर इस फ़ोन में आपको सेंसर की बात किया जाए तो इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट डुगल बैंड सारे के सारे सेंसर आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको रेडियो वापस से नहीं मिलेगा। एंड इस फ़ोन में आपको फेस आईडी और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड इस बार कर दिया गया है। इस फ़ोन में आपको इस बार बॉक्स के अंदर 18 वॉट का चार्जर मिलेगा जो 30 मिनट के अंदर फ़ोन को 50% चार्ज कर देगा। इस फ़ोन में USB पावर डिलीवरी 2.0 का भी सपोर्ट होने वाला है। ये फ़ोन का टॉक टाइम आपको 18 आवर्स और म्यूजिक प्ले 65 आवर्स का मिलेगा। इस फ़ोन के कलर्स की बात किया जाए तो इस बार आपको बहुत सारे कलर्स मिलने वाले हैं, स्पेस ग्रे, सिल्वर, गोल्ड और मिडनाइट ग्रीन। सो यही था इस फ़ोन के बारे में और इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा।